खबरें वही जो दिखे सही। नमस्कार, मैं हूं गोविंदा गोला, 24 टाइम में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। जोधपुर 18 मई श्री हिंदू सेवा मंडल जोधपुर द्वारा प्रत्येक पुरुषोत्तम अधिक मास के समय मारवाड़ की धारा सूर्य नगरी जोधपुर में आयोजित भोगेश्वर परिक्रमा इस वर्ष 24 मई से 30 मई तक आयोजित की जाएगी। इसको लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। इस वर्ष परिक्रमा यात्रा में करीब 1,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं का भाग लेने की संभावना है। यह जानकारी आज यहाँ आयोजित पत्रकार वार्ता में श्री हिंदू सेवा मंडल जोधपुर के अध्यक्ष देवीलाल टाक तथा आयोजित समिति संयोजक प्रेमराज खिवसेरा तथा सचिव विष्णु चंद्र प्रजापत ने दी। उन्होंने बताया कि परिक्रमा यात्रा में राजस्थान एवं देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यात्री उबड़ खाबड़ पथरीले कांटों भरे रास्तों को पैदल चलते हुए 7 दिन में अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं। इस वर्ष ज्येष्ठ मास अधिक होने के कारण यही से परिक्रमा यात्रा 24 मई से 30 मई तक आयोजित होगी। हमारे संवाददाता जितेंद्र दवे की खास रिपोर्ट। यात्रियों का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए और जो वृद्ध यात्री हैं उनको ले जाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। इस आयोजन में सत्संग व्यवस्था, क्योंकि ये पूरा धार्मिक आयोजन है, इसके लिए हमारे गौरी शंकर जी गांधी साहब विराजमान हैं, इनके दिशा निर्देशन में सत्संग का कार्यक्रम होगा। कैंप की व्यवस्था कैलाश जी, प्रथम दिन रातनाडा, दूसरे दिन 25 तारीख को चौपासनी, तीसरे दिन 26 तारीख को बडली, चौथे दिन बैनाथ जी, पांचवें दिन बैरीगंगा, छठे दिन मंडोर और सातवें दिन शेखाव जी का तालाब होते हुए गणेश जी महाराज मंदिर रातनाडा होते हुए घनश्याम जी मंदिर जूनी मंडी स्थित पहुंचकर ध्वज पुनः घंटाघर हिंदू सेवा मंडल कार्य पहुंचकर यात्रा विसर्जित होगी। और इस यात्रा में भोजन व्यवस्था के लिए हमारे लिखमिचन जी कृष्णानी जो बैठे हैं इनके का हमारे पूरा सहयोग रहता है और इस कारण से संस्था आगे बढ़ती रहती है। हर 30 वर्ष जो ये परिक्रमा होती है अधिकतर आप लोगों में सुस्वर परिचित है। इस तरह अब जो परिक्रमा चल रही है उसमें हम संख्या जो चल रही है 30,000 के लगभग उससे ज़्यादा संख्या होने की संभावना है। इसमें हमारे को इस साल नगर निगम द्वारा बहुत ऐसे खबरों को देखने के लिए बने रहे 24 टाइम के साथ। खबरें वही जो दिखे सही। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।